आदरणीय दर्शक बिनी न्यूज टेलीविजन की प्रस्तुति कार्यक्रम जर्म विचार में अपने के हार्दिक स्वागत व हम राजकुमार सराफ। अभी हमने कैमरा में साथ दिलवानी त्रिलोकी पटेल। आज हमने की एकदम ही अलग मुद्दा पर बात करे वाला वानी सन। हमने के देश में तीन तह के सरकार जब से ये गणतांत्रिक नेपाल आयल, तीन तह के सरकार यानी कि देश में एहबराई तीन तह के सरकार के नाम पर बहुत सारा विकास के नाम होता। और सबसे बड़का बात तो ये बाटे कि हर एक जगह में घरे घर नेता देखे के मिलता डे। आज हमनी के खास करके वह नेता लोग के बारे में बात करे वाला बानी सन और सर्वसाधारण से जाने वाला बानी सन, सर्वसाधारण लोग से ये बात जाने के प्रयास करता सन कि अभी के समय में हर एक 8 दिन या 15 दिन में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम होता, लेकिन वो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में चेहरा उहे रहता, पार्टी बदल जाता। बारंबार हमने के देखता इंसान चेहरा उहे बाटे लेकिन पार्टी बदल जाता टे। तो ये पार्टी बदलला से जेकरा के ये आम सर्वसाधारण जनता लोग अपन अगुआ मानता टे, जेकरा के ये सोचता टे कि ये आदमी बिहान के दिन में जौना पार्टी में बाटे वो ईमानदार व्यक्ति बाटे, फलाना पार्टी चुन ले बाटे तो वो सही बा कह के, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता थे कि 100-200 आदमी के लेके वह व्यक्ति फिर दूसर पार्टी में प्रवेश कर जाता, फिर 2 महीना 6 महीने के बाद तीसर पार्टी में प्रवेश कर जाता। ऐसे आम सर्वसाधारण के ऊपर का असर पड़ता थे, ऐसे आम सर्वसाधारण के का फायदा बा, काहे कि आम सर्वसाधारण ओकरे के अपन अगुआ समझता थे, लेकिन अगुआ लोग के खुद के ठिकान नहीं के रहत, खुद के एगो स्थान में नहीं के लोग रहत, विभिन्न पार्टी में घूमत रहता थे लोग। ऐसे आखिर आम सर्वसाधारण के ऊपर का असर पड़ी था, इमें सर्वसाधारण के बुझाई का बा, उन लोग के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम से या पार्टी अदल बदल कैला से आम जनता के का बुझाई बा, ये जाने खातिर हमने के आज सर्वसाधारण से प्रयास कर रहा बानी सन। सर्वसाधारण के में का बुझाई बा, सर्वसाधारण एकरा के कौन तरीका से बुझाता डे, ये बारे में जान अपन एक बार नाम बता। सुनिए, हमर नाम श्याम किशोर दुबे है जी। एगो त राजा रहल त एक जना लूटत रहल, आई हमरा त इसका 77 के 800 2000 लो लूटता, ई लो लोटा हलो, ई लो बिटोर के ले जाए वाला बालो, ई केतनो प्रवेश कराइलो त सियारा त वह पोछवे नु रंगा के आइल बा। हां, इमें आम जनता एक कति फायदा बा, मान ली 2 मिनट खातिर रहुआ नेता बानी तो हर एक नेता आम जनता से कुछ ना होला, वो अपन एगो अगुआ चुन लेबा जेकरा के मने नेता कहल जाला, समाज सेवी कहल जाला, ये नु सही। आ वो नेता वो जनता के घुमावत फिरता, हमरा रहुआ के 2000-4000 कहूँ से ले लेता, हमरा रहुआ के 1500 में आधा किलो मुर्गा हो तो 1 किलो मुर्गा हो तो चलो ना चाट लो जाओ, आ गांव में खड़िया दे बा, लड़ाई झगड़ा करावता, अपन पेट पोसता। आम जनता के कुछ फायदा, आम जनता के कोई ना फायदा दे बा लो ना दे लो, खीसा कर ले ला ना केहू कहले बा। अभी जनता के कुछ अपने आप के ना बुझे के चाहिए कि हमनी के कहां से जनता तो बुझता, लेकिन चोरवा बुझे तर सन। एकर उपाय का पति, एकर उपाय है बा कि देश में मार्शल लागू हो, राजा के हाथ में जाओ, उपाय एक गो बा। धन्यवाद चाचा। सर अपने एक बार अपन पूरा परिचय दिया। नमस्कार, हमर परिचय पड़ी नाम पड़ी हमर राजू राजगिरी, पेशा से हम एगो इंजीनियर बनी और सामाजिक अभियंता भी बनी, हमने के जनमत पार्टी के एगो इंजीनियर जनमत संघ बिजनेस चैप्टर का भी नाम हाल में अध्यक्ष बन। मने खाली सामाजिक ना रहो, राजनीतिक से भी जुड़ल जी 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 ना जी। हाँ, जनमत पार्टी जोन जनमत पार्टी की मधेश केंद्रित काम कर रहा बा जी जी, मधेश केंद्रित और जनता केंद्रित, खाली हमनी को मधेश केंद्रित ना, हमनी के जनता मुखी केंद्रित, जनता के जोन चाहना जोन डिमांड बा, जोन दुख पीड़ा बा, उ हिसाब से हमनी के करे वाला बानी, हमनी खाली मधेश ना, पूरा नेपाल हमनी के जनमत पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बा, खाली हमनी के मधेश पर केंद्रित भैया से ना हुई, जनमत पार्टी पूरा नेपाल के 77 जिला 7 प्रदेश में, अपने के हाल में अभी हमनी के उपचुनाव अपने के देख लोग हैं, 44 जगह पर उपचुनाव होता, हर एक जगह पर हमनी के जनमत पार्टी के उम्मीदवार मनोनयन के लिए अपन दर्ता कर उम्मीदवार। चलिए, आज शायद हम जोन बुझे के चाहता नहीं अपने बढ़िया तरीके से जवाब देमी, हमारा विश्वास बाटे। आज हमनी के मुद्दा रख ले बानी सन कि अभी के समय में हमनी के गणतांत्रिक नेपाल में तीन तह के सरकार बा, तीन तह के सरकार जब आयल संघीयता देश में आयल तो जनता के
ई लोभ दिलक लोग नेता लोग कि हमनी के संघीयता रउआ लोग दी हमनी के विकास करेम सन, लेकिन उ विकास के जगह में जनता का कर रहल बा, जनता भी कहाँ बाटे ई नेता लोग के मने एकदम छरलंग लौकत अटे। एमे पहले रउआ तनका सा बात बता दी, ओकरा बाद हम रउआ से दोसर चीज पूछत है। देखिए ई हरेक पीढ़ी के हरेक युग के 10-10 बरस 12-12 बरस में एगो पीढ़ी कहल जाला, एगो युग कहल जाला। तो हरेक पीढ़ी में हरेक युग में वैसन वैसन नेता एगो जन्म लेलक, लेकिन ओकरा कहीं ना कहीं शक्ति के अभाव के चलते, कहीं या वोट के चलते, या ओकरा मतलब एगो अपन संगठन के चलते वो असफल रहल। लेकिन अब एगो अंतिम आस के रूप में हमनी के जनमत पार्टी उभर रहल बा, जौन कि बहुत ही छोट अवधि में 5 से लेकर 6 बरस के भीतर में अपने के नेपाल ऐसा देश में जहाँ दिग्गज पार्टी 50 बरस 70 बरस से हमनी के एमाले कांग्रेस बा, माओवादी बा, वैसन पार्टी के चंगुल में आके अगर 5 बरस में कोनो पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बन जाता तो बुझना कहीं ना कहीं एगो जनता के आस बा, भरोसा बा, आशीर्वाद बा, तब ही हो सकता। और रहल बात अपने के कहनी है कि जनता काहे इतना मायूस बा, जनता के भी एगो हम निहोरा करे के चाहे, विनती करे के चाहे, जनता भी अपन पद के अपन महत्व बुझे पड़ल, अपन मतदान के महत्व बुझे पड़ल। अभी अपने जाए गाँव में जितना पालिका बा पारसा जिला में 5 साल जनता गरिया होता कि कांग्रेस के नेता चोर हो, एमाले के नेता खत्म हो, देश बेचुआ हो, लेकिन जब वह चुनाव आता तो वह जनता जौन गरिया होता 5 साल वह जनता ओकरे के वोट देता, वह जनता ओकरे के जीता होता। तो हम तो नेता के खराब ना कहें प्रेजेंट टाइम में, का तो अभी हमनी के देखत आनी सन 10 बरस हो गए हमनी के राजनीतिक में, वो ये उसे ना कहें कि वो नेता है क्रियाशील भैला, काहे ना कहें, काहे तो जंग बुझे पड़ल हमनी के अगर एगो बिलाई के राख दिया कि दूध देखत रहो तो दूध ना देख सकी, तो एक बार ना देखलक फिर वो बिलाई के तू दोबारा रखब तो का गारंटी बाकी राखी। उ हिसाब से अगर हमनी के टेस्टेड आदमी के, अगर हमनी के पढ़ल लिखल एजुकेटेड युवा के जब तक हमनी के समाज में प्रोत्साहन ना कल जाए, जब तक हमनी के समाज विकास होकर वाला नहीं कही। चलिए ये तो हो गए, मतलब रउआ के अपने पार्टी के अपने रउआ प्रचार करते नहीं, आ वह चीज हुआ हर एक पार्टी के लोग करेला कि हमरा पार्टी हमरे पार्टी बाटे जौन की देश के विकास कर सकते। अभी हाल फिलहाल में देखल गए एगो चीज बा, बहुत ही स्पीड से खास करके मध्य प्रदेश में हरेक 8 दिन में होके तो होके ना, तो 15 दिन में तो पार्टी प्रवेश एगो कार्यक्रम रहते बटे, चेहरा उहे चेहरा यह बेरा दोसर पार्टी में बटे तो बिहान तीसर पार्टी में चल जाता, पता चलता कि 200 आदमी के लेके फलाना व्यक्ति पार्टी प्रवेश को, आज एमाले के बिहान परसों माओवादी के तरसो कांग्रेस के जनमत के जसपा के ऐसे ही कह के विभिन्न पार्टी में लोग जा रहे भाई, ऐसे जनता के काम मिलता रउआ नेता लोग, रउआ नेता बनी उसे रउआ नेता लोग इस जनता के गुमराह काहे करता नहीं। देखिए सब अंगुली बराबर नहीं के, लेकिन अपने का अगर केनहु साइन करे के रहला, केनहु दस्तखत करे के रहला, तो अपने को औंठे के जरूरी पड़ेला। उ हम कहे के चाहे कि जौन नेता 5 साल में 5 गो पार्टी बदलता ओकर पहले परिचय बुझे के पड़ल, ओकर पहले इतिहास बुझे के पड़ल, कहाँ से ओकर जन्म कुंडली बा, कौन परिवार से वो बिलोंग करता, राजनीति ज्ञान कितना बा। जंग एगो बुझी ना कि जंग कोरोना आई रहे तो अपने को पता हो एगो मास्क के दाम 100 रुपये हो गई रहे, अभी तो हमनी के मास्क नहीं किसने लगे, कोरोना का टाइम में एगो मास्क कितना दाम हो गई रहे 100 रुपया, ओमें भी जल्दी ना मिले। लेकिन आज ओकर कौन पूछे था मास्क 5 रुपया 10 रुपया में, क्यों पूछे था। तो वही नहीं जितना नेता परिवर्तन करता लोग, ये लोग कहीं ना कहीं अपन स्वाद, अपन अवसर, अपन फायदा खातिर करता लोग, जनता के विकास, जनता के समृद्धि खातिर ये लोग पार्टी परिवर्तन नहीं करत, ये लोग लगे कोनो एजेंडा नहीं के, एक गो एजेंडा बा, जितना ये पार्टी परिवर्तन दल बदलुआ नेता बारे लोग, ये लोग एक गो एजेंडा बा कि हमें हमनी के जगह कबूतर एक जगह बीन लेलक दाना तो वहाँ से उड़ के दोसर जगह चल जाए, वहाँ भी नहीं वहाँ से बीन के फिर तीसर जगह जाए। तो जहाँ ये लोग के दाना पानी मिलता, जहाँ ये लोग के स्वार्थ पूर्ति होता, जहाँ ये लोग के अपन बजट मिलता, ये लोग के हिसाब से कर्मचारी सरुआ बरुआ होता, वहाँ ये लोग जाता। ये जनता का मुद्दा या विकास या समृद्धि खातिर ये लोग नहीं जात, अपन निजी स्वार्थ खातिर, अपन पैसा खातिर, लोभ खातिर, लालच खातिर, अपन परिवार खातिर ये लोग पार्टी परिवर्तन करता है, समाज खातिर लोग नहीं करता। ऐसे आम जनता के कोनो फायदा नहीं है, कोनो फायदा नहीं है। तो फिर मैं नाम कहे आम जनता के है तना व्यक्ति समेत फलानवा व्यक्ति पार्टी प्रवेश कर। अब देखिए अब जहाँ 10 किलो जनता जी जी पर भरोसा करता है, जहाँ 10 किलो 15 किलो मिठाई अपने के गिरी, जिलेबी गिरी, चाहे मासू गिरी, वहाँ तो कुछ मुछ आई बात बुझते बनी अपने कथी आई, वही बात बुझी। इस संपूर्ण जनता के ये लोग बदनाम करता, कुछ मुछ लोग के आसे पास बा
जौन की लोग जहाँ जाए साँझ के लोग नाश्ता पानी और बोतल मिल जाता, साँझ के लोग अपन पूरा खाए पिए के व्यवस्था टंच हो जाता, उन लोग के समाज के समृद्धि के हमन के मदेस के हमन के नगर के विकास आ समृद्धि खातिर लोग कुछ नहीं कर, लोग खाली अपन स्वाद खातिर अपन पेट खातिर अपन युवा या समझी कि नेता लोग जितना बाटे एगो अपने के पार्टी के ना संपूर्ण काहे कि आम जनता के रुआ सारा पटिए से लगाओ बा सारा पार्टिए से कहीं ना कहीं आस बाटे उन लोग के का सलाह देवे के चाहे हम एक को सलाह देवे के चाहे संपूर्ण आम जनता या नेता लोग के भी कि जगह दवाई के डेट एक्सपायर हो जाला, अगर मानिए अपने के ओनो दवाई खातनी उ दवाई के डेट एक्सपायर हो गेल बा त अपने खाएम ना खाएम, वही में बूझे के पड़ल कि जितना ही हमनी के नेपाल में 50 बरस 60 बरस के भीतर में पार्टी आयल बा, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, एमाले हो, माओवादी हो, रापरपा हो, चाहे मधेस के हमनी के उपेंद्र यादव के जसपा हो, इस सारा केहू के टेस्ट एंड फेल्ड, इस सारा केहू के दवाई खानी डेट ओरा गेल बा, जबरदस्ती लोग अपन दवाई समाज में बांटता, उ भैया के जे जनता दवाई खाता वो वैगुण हो जाता बीमार हो जाता। यो तो होकेला कि पुरान दवाई बेसी काम करेला, देखी जौना दवाई के डेट एक्सपायर हो जाला वो दवाई काम ना करेला, पुरान अपने को पता हो पुरान दवाई ना काम करी, लेकिन कहे का मतलब ये बा कि जौन चीज एकदम वेस्टेज बा आउट ऑफ डेट बा एक्सपायरी बा उहे चीज के ये लोग परेशान करता। हमने के जनमत पार्टी एगो लैब टेस्ट में से निकल के 10 बरस हमने के जनता के बीच में संघर्ष करके डॉक्टर सीकर आउ तो अपने को पता हुई कि पूरा विश्व में एगो चर्चित नासा अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट रहनी डेढ़ डेढ़ दू करोड़ के महीना छोड़ के जौन आदमी 10-10 बरस जेल कटले बा ओकरा कदी स्वार्थ हो सकता, ओकरा एक एगो स्वार्थ बाकी जनता के समृद्धि हो को विकास हो को और जनता राज्य स्थापित हो को। धन्यवाद। अपने कहाँ अपने घर कहाँ पड़ी? रतनपुर। नाम कथी पड़ी? जहीर मिया। सबसे तो पहले अपने से ही हम जाने के चाहे कि कोनो पार्टी से लगाव रखे नी कि स्वतंत्र को आम जनता है हमने के कौन पार्टी से सब पार्टी में रहेगी सर सब पार्टी में रहनी चाहिए वोट आई भाई अपना स्वेच्छा अनुसार वोट दे देव ना। अभी अपने से खास में अपने के परिचय पूछे के कारण हुए कि हर एक 8 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीना के भीतर में एगो पार्टी प्रवेश कार्यक्रम होता था इधर देखा था नहीं के देश के भीतर मैंने पार्टी लोग बाटे पार्टी बा नेता लोग बाई तो वो बुझाता नहीं नेता लोग बा हमने के किसानी काम में रहनी मैंने इतना तो बुझत न बनी बारम्बार एक एक आदमिया टाल पार्टी में जाके कभी हे पार्टी में रहता कभी हो उसे आम जनता का फायदा बा अब सोची अपने जे का सब चल बदल बा घूमता लोग पार्टी में लगाता लोग उहे लोग आके फिर मने उहे लोग आके कहत हटे कि हमरा के अब हम वोट में खड़ा होकर तनी चाहे हमर समर्थन पैसा करावा हुए पैसा करावा इससे आम जनता का फायदा बा उहे पैसा के चलते एने उने डिगता लोग पैसा के चलते तो आम जनता उही लोग के पीछे फिर भागल फिरता भागल तो समझी अपन जेने जेने जे भागा था जी भागा था ठीक हुआ धन्यवाद। चाचा कहाँ घर पर? हमारा झमुआ घर पर झमुआ बिंदवासनी गाँव पाली ना बिंदवासनी गाँव पाली कितना नंबर वार्ड में पड़ला चाचा घर राउ हमार 3 नंबर 3 नंबर में। अच्छा अपने के उम्र अनुसार तो बहुत कुछ देख ले हो ना लास्ट चलता नाम अपने के क्या परिचय था? हमारा नाम रघुनाथ ठाकुर रघुनाथ ठाकुर। अभी अदालत और आयल बनी पके कोनो ना कोनो केसे मुकदमा के लेके आयल होगा ना तेरा तनी हो चली वो अब जोन भाव रो मने घर ऐसी बात हो ओकरा ऊपर हम ना जाए के चाहे रो वो काथी करेल बनी बस हमने के अदालत के एरिया में भेट भइल बा उसे हम पूछ देनी हो कि अदालते में कोनो काम से आयल होगा पूरा और अपन पर्सनल काम हुए। अपने राजनीति कितना जाने नहीं चाहता पहले ही हम राजनीति सफा नहीं ना जाने नहीं मैंने वोट तो देवे नहीं वोट दिन है जे अच्छा बुझाला ओकरा के दे दिन है आ चलाओ लोग चाहे डुबा देव लोग मैंने रुआ डुबावे खातिर वोट देवे नहीं ना हम भलाई खातिर देवे नहीं लेकिन गलती जगह में पड़ जाला दे देला पर गलती हो जाला लोग के का कर जा इमे अभी एगो बात हम अपने से जाने की चाहत चाचा प्राय रउआ देखा तनी अभी के अवस्था में हमनी के खास करके मधेस प्रदेश में पहले रउआ लोग के जमाने में तो प्रदेश ना रहे ना रहे वही पालिका ना रहे गाविस रहे नगर पंचायत रहे ना ये अभी नया नेपाल जब आयल गणतांत्रिक नेपाल में प्रदेश हो गई केंद्र हो गई स्थानीय तो हो गई तो बड़ा बढ़िया से हमनी के आगाँ गाँव में नेतो हो गई अपने के विद्वासनी में लगभग कितना नेता हुई लोग बहुत का बड़का मिला के बहुत बालू
सैकड़ों से बेसी बाटे लोग, लेकिन उस सैकड़ों लोग में एगो चीज हम अपने से जाने के चाहता नहीं कि बड़ा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम होता, वह आदमी आए बड़ा कांग्रेस में रहता एक महीना के बाद एमाले में चल जाता, फिर एक महीने के बाद दूसरा पार्टी में चल जाता। गलती तो है, अगर जिनमें बानी तेमें स्वच्छ रहे के चाहिए, देश चलावे के चाहिए, देश चलावे खातिर जनता बा, अगर जनता मरत तो ओकरा के जियावे के फिर में रहे के चाहिए, जनता मरत तो और मुआवे के फिर में रह तो देश में यह बात नहीं बा, दूसर कौन बात। ये लोग के मैंने ये लोग के रह के काहे कि मान लिया मैं ये हूँ नेता बा, ये हूँ तो ओकरा पीछे पीछे 10-20 गो 50 गो का लोग बा, पार्टिया छोड़ के जाते मातर फिर वो लोग गुमराह हो गए। हाँ, गुमराह काहे कि रउआ मान ली सपोज एगो पार्टी में है बेरा बानी 50 गो लोग रउआ पीछे बा, तो जौन बतैले बानी एगो पार्टी के बारे में उहे वो लोग जानता, रउआ दूसर पार्टी में जाते मातर सारा लोग के ले गए नी, फिर वो लोग के नया से रउआ के बतावे के पड़ी, तो में आम जनता के का फायदा पड़े। जनता तो एकदम उड़ाता, जनता तो मरता, एकरा के रोके खातिर का करे के पड़ी, केकरा केकरा सुधरल जरूरी बाटे एकरा की बताई। एथी एफएम आ रवे लगन अगर टाइट हो जाई तो देश तरक्की में हो जाई, तो खाली हमनी के टाइट भइला से ना, एकरा साथ साथ में औरी केकरा केकरा टाइट होके के पड़ल यो बताई। ओकरा के मेयर के भी टाइट होके के जरूरी बा, ये मुखिया बा ऊपर टाइट होके के जरूरी बा, ये न हमने के दूसर कथी हमने के लिए तो दे दी लगे बा ओकर के न। अरे वो लोग जहां बानी मुंह में रहे जी, एक आदमी आइल बजा के लेके गइले, अगर चलो हे हिया चले के बा बियान हुआ चले के वही घूमत फिरे में लगा। हां हां, हमने के अच्छा आदमी देखन से रुआ पीछा हमरा जो अच्छा बैठे तो अपन रुआ पीछे पड़ल बानी, तो पर एक बार देख लो पड़ल हूं कि हमने के कहां कहां लेके जाता। हाँ, देखत तो बढ़ले पानी सन तो का कितना देखी सन, और मम्मी की कितना देखन सन, आज मानी सन ध्यान ना रहे मम्मी के रोवे चाचा, आज वानी ध्यान ना रहे मेरे, लेकिन और जोन पीढ़ी बा वो तो रही नु, ओकर भविष्य खराब होत नु बा, तो ओकर भविष्य खातिर तो रोवे लोगन के जेंगे कहन तेंगे हमनी के करे के पर पत्रकार के पीछे रहे के पर पत्रकार जहां खड़ा होकी वहां खड़ा हो, अगर रउआ अच्छा रास्ता ना रहा पकड़ाए तो हमरे से पकड़ाई, जनता से ना पकड़ाई। मैंने हमने को अपने लोग के राय जाने के चाहते हैं, जैसे बारंबार पार्टी बदल से आम जनता के ऊपर का असर पड़ता है, बहुत बड़का निमन असर नहीं है। धन्यवाद। अपने के नाम का पड़ी? हमारा नाम केदार प्रसाद पटेल पड़ी। घर कहाँ? घर बिरगंज 17 नंबर में पड़ी, महानगर में, महानगर पालिका में। चलिए, महानगर गांव, महानगर चाहे नगर पालिका चाहे गांव पालिका, सब ये देश के भीतर के बा ना जी। अपने राजनीति से कितना लगाव रखी? राजनीतिक से तो हम बहुत ज़्यादा लगाव रखी ने, जब से मध्य प्रदेश की लड़ाई लागल 62-63 के आंदोलन से हमने के लागल बनी से। अभी कौन पार्टी में बने? अभी हम जनमत पार्टी के नगर उपाध्यक्ष में बानी, बत्सो वार्ड से, महानगर पालिका से। इससे पहले कौन पार्टी में? इससे पहले मसाल छाप में रहनी। मसाल यानी कि मधेसी फोरम? मधेसी फोरम, मधेसी जन अधिकार फोरम नाम रहे पहले। अच्छा, मधेसी जन अधिकार फोरम, ओकरा बाद मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल, आ होते होते अब खाली आके रह गए जसपा। जसपा अब मधेस के नामे हट गए। मधेस के तो निशाने उपेंद्र यादव जी कहलन जी, अब तो लुकार देखा के नु हम जनता के गोली मरवाई नी, हमारा कुर्सी मिल गई, हमारा जनता से काम मतलब तो मसाले हटा दे, हम दोसर छाप ले ले बिहान, जनता मसाल के नु खोजी। अच्छा, एजेंडे हटा दिल। अपने राजनीतिक से जैसे जुड़ल बनी जी, तो शायद हमने के बुझाता जो जब मैंने सवाल के जवाब खोजा था निशान वो अपने लगे हो ही। हमने के आज वो मुद्दा पर बात करे के प्रयास कर रहा बा निशान कि हरेक मैंने हमने के खास करके मध्य प्रदेश में हरेक महीना दिन में 1.5 महीना में कभी कभी तो 15 दिन में जी पार्टी प्रवेश कार्यक्रम होखताटे, चेहरा उहे हमने के देखता निशान, लेकिन आम जनता के रोवा लोग जैसा नेता जो भरोसा करता थे, काहे कि आम जनता सब कुछ ना करेला, वो एगो अपन अगुआ चुन ले बा जकरा के हमनी के नेता कहनी सन, उ आदमी उ सारा जनता के गुमराह करके घुमाव फिरता। ई पार्टी प्रवेश से एक एक आदमी 13 गो पार्टी में जाता थे, कभी ओकर शिकायत, कभी ओकर निमन, कभी ओकर भेजाए, इससे आम जनता के ऊपर का असर पड़ता?
देखे जैसे ही अपने पूछनी है हमरा से जे उहे अनुहार हमनी के दिखाई देता उहे अनुहार पहले मदेश के लड़ाई करौलक आज उहे अनुहार जनता के लेकर अंधकार कोठरी में डाल देता अपना टिकट खातिर उ हमरा रहुआ जनता खातिर ना उ अपना टिकट व्यक्तिगत स्वार्थ खातिर एमे से कूद के ओमे जाता फिर ओकरा के शिकायत करके एमे आवता जब खुद उहे सही नहीं एगो सुनले बानी नो कि हमनी के मदेश प्रदेश में नया अनुहार जब तक ले ना आई जवन बहुरिया घर में रहेला ओकरा के लोग देखे के चाहेला जवन प्रत्यक्ष में बा ओकरा के ना देखे के चाहेला नु तो ये लोग तो कूद के बानर जैसे नेपर से ऊपर जाता अपना दूगो रुपया खातिर कहेला लोग पार्टी प्रवेश में जे हम हेतना 100 आदमी लेके ढुको तनी लेकिन उ लोग लगे 5 भी आदमी नहीं के जमना पार्टी में जाता लोग भारी पड़ता लोग उ लोग निकलता तो दूसरा पार्टी में निमन लोग आवता तो ये लोग टिकट वाला है आज कबनो पार्टी का ए माले छोड़ के कोई कांग्रेस में जाता तो कांग्रेस कौन निमन कांग्रेस से तो बिगाड़ ली मदेश बानो कांग्रेस कहता ए माले के खराब बा तो तो हमनी के निकसन को हमनी के तो भोगता निसन नो आज कांग्रेस के ही देन ना रही के तो रुवे लोग से जाने के चाहता निसन से आज के खराब पार्टी दुए गो रहे नो ए माले या कांग्रेस रहे वो में पीछे एगो राजा पार्टी रहे अपने के हर छाप है रापारपा दोसर कौनो पार्टी ना रहे लेकिन हमनी के मदेशे के नेता कांग्रेस में ए माले में जाते जाते इतना ना सेटर पैदा कर दिलक लोग कि ये हमारा जनता के बैठे के जगह नहीं खे 73 गो कर तिरे के पड़ता फिर भी जनता के सुविधा नहीं खे पहाड़ में देखी अदालत में 3 न्यायाधीश बा तो हमनी के पारसा जिला में 11 न्यायाधीश बा ये हमनी के मदेश के नेता लोग के देन मदेश प्रदेश ये बना के तो हमनी के मदेश के चौबे ना करी जैसे सुनले बानी नु अपने मीडिया बानी हर जगह घूमतनी हर व्यक्ति से संपर्क करतनी कि 50,000 में अच्छा गदहा ना मिली लेकिन हमनी के ई तराई में पढ़ल लिखल डॉक्टर MBBS कैल आदमी 500 में मिलता का उ नहीं जाना जे मदेश पर दमन होता यहाँ भेद और रंग भेद के लड़ाई बा तो जौन शुरू में हमरा से पूछनी है कि महीना में 2 पार्टी प्रवेश होता तो ही हो लोग बघ रुपया ऊपर वाला के झोरा ढोवे वाला ये लोग खुद कहता तू फानला में जो डोनेशन हमारा पार्टी फोर तू हेमे लिया लेकिन लोग लगे 200 जो प्रवेश कर ओकर लगे 5 आदमी नहीं के इमें आम जनता के का फायदा बटे तो आम जनता के ये फायदा बा कि लोग आँख पर पट्टी बांध के दारू मास खिया देता पूरे ओकर बजट ले लेता मने आम जनता कालू उहे रहे आजू उहे आजू उहे लोग बिहानू उहे हाँ पखेरू नहीं खे लोग होखे दे तो जब पाख होता ओकरा उड़े के तो कोनो ना कोनो मुदा में लगा के डाल देता लोग कि ये उसे हमरा पीछे रही आम जनता के नेता लोग के उहे काम बाकी लगाओ बजाओ रख ले रही पहले गुरु को लगे जात रही है सो लवंग दिखावे तो कही जे बड़का बोका लिया आजकल ही लोग बोका समझ ले बा जनता के कि फलवा के बेटा विदेश में है इतना रुपया भाई मुदा फसा बिहान हमरा पीछे रही एक घर में 10 वोट बा 10,000 छोड़ दी तो अभी तो नेता लोग ऊपर से यहीं के रहता तिले ये लोग गांव में ढूक के लागता कहे जे फानला बाबू आवता रे बड़का विकास प्रेमी हूँ लेकिन रउआ घर में से निकले में तो रउआ लगे कुछ के साधन नहीं के बीरगंज महानगर पालिका के देखी ना एगो जौनो सिफ्टी यहाँ अदालत के लगे रहक लोग के पेशाब करे वो भात को के तालिबा नमा दिले आए बीरगंज में पार्किंग के जगह है नहीं के कर बहुत ज्यादा बा लोहा चिल्ला था गली गली जे तनको फुहर हो 5,000 डाँड बा लेकिन नहीं खन कह जे फुहर रखे वाला जगह कहाँ हम बनाई जानता कहाँ भी घूम रहा है घर में है तो यहाँ आवाज उठावे वाला व्यक्ति पर कार्रवाई बा अन्याय करे वाला व्यक्ति के रिहाई बा शासनो हुए बा प्रशासनो हुए बा अब हमनी के नेतो लोग हुए बा तो हमनी के जाई जाई कहाँ जानता सेव हो जहाँ से पाओ सेव पर तेरवाल गिरी तो सेवे कटाई या सेव तेरवाल पर जाई तो उहे कटाई धन्यवाद जी आदरणीय दर्शक बिन हमनी के आज जोन शुरू में रहुआ लोग के कहानी है कि आज हमनी के एगो डिफरेंट तरीका के मुद्दा पर बात करे वाला बानी सन आज हमनी के मुद्दा रख ले रही सन कि हरेक 15 महीना दिन या 1.5 महीना में तो पक्की पार्टी प्रवेश एगो कार्यक्रम रहता लेकिन वो हरेक पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में
चेहरा उहे दिखाई देता टे इना कि अलग से चेहरा होता काहे कि हरेक पालिका के भीतर गनल चुनल लोग बा और समाज सेवी नेता जेकरा के कहल जाला उ लोग यही वाइरल चेहरा ह उ चेहरा जनता यही चिन्हत रहता टे ओसे एक आदमी हरेक जनता अपन अपन अगुआ चुन लेबा जेकरा के अगुआ कहल जाला उ अगुआ पता ना कभी जनता के बेच देता समझे में नहीं किया होत काहे कि आज सपोज दैट एमाले में बाटे या कांग्रेस में बाटे उ जनता के बारे में 200 150 100 जितना भी जनता ओकरा हाथ में बा ओकरा बारे में ओकरा के बतैले बाटे लेकिन दू महीना के बाद पता चलता ना उ पटिया चोर रहे ओइसे छोड़ देनी अब है बाटे नीमन फिर डेढ़ महीना के बाद पता चलता ना 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 उ तो ओकरो से चोर रहे अब किरवा जाता नहीं उ नीमन बा अब फिर दू महीना के बाद पता चलता ना पूरन के पटिया हमर नीमन रहे ऐसनो लोग पार्टी प्रवेश कार्यक्रम कर रहल बाटे ओसे उ पार्टी प्रवेश हमनी के कोनो दल के कोनो नेता से हमनी के कोनो उ नहीं खे कि हमनी के कौन पार्टी है के पार्टी प्रवेश करे लगा हमनी के आम जनता के नेतृत्व के करता टे ए पर हमनी के बात करे के चाहता नहीं सन ए पर जनता लोग बात कर कि ऐसे आम जनता के कुछो के फायदा नहीं के फायदा अगर बा तो वह टिकट के फायदा जे अगुआ लोग बा फायदा अगर बा तो उ लोग के अपन स्वार्थ पूर्ति के फायदा बा इस सर्वसाधारण लोग के बुझाई हो बुझाई तो विभिन्न किस्म के अलग अलग लोग के अलग अलग किस्म के होकेला लेकिन आज इस सर्वसाधारण के बुझाई रोवा लोग के सामने हमनी के रखनी है सन अपने कहाँ से बानी और ई विषय में अपने के का प्रतिक्रिया बा अपन प्रतिक्रिया जरूर देहल जाई अभी के खातिर हमनी के रउआ लोग से छुटेम सन अभी के खातिर कैमरा में साधे त्रिलोकी पटेल के धन्यवाद देत हम राजकुमार सराफ भी विदा होकेम देखत रहिए न्यूज टेलीविजन धन्यवाद नमस्कार।